दोस्तों, 90 के दशक की स्टार अभिनेत्री दिव्या भारती की मौत अभी भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। दिव्या भारती केवल 19 साल की थी जब वह 5 अप्रैल 1997 को अपनी मुंबई अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गई और उनकी मौत हो गई। 2 दशक से अधिक समय बीत चुका है और उनकी मृत्यु की रात हकीकत में क्या हुआ था, इस पर अभी भी कुछ स्पष्टता नहीं है। हत्या या आत्महत्या या अकस्मात। बॉलीवुड में दिव्या भारती जैसी शायद ही कोई हीरोइन रही हो जिसने करियर के पहले साल में ही 12 फिल्में की जो जबरदस्त हिट हुई, लेकिन दूसरे ही साल मौत को गले लगाकर चली गई। मौत की वजह आज तक साफ नहीं हो पाई। उन्होंने 14 साल की उम्र में मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था। पहली तेलुगु फिल्म बोबली राजा में उसने वेंकटेश के साथ डेब्यू किया था, जो फिल्म 1990 में आई थी। दिव्या भारती ने 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म का गाना सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, इस गाने ने दिव्या भारती को गजब की सफलता दिलाई। फिर दिव्या भारती ने 10 हिंदी फिल्में की, जिसमें शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर, जान से प्यारा, दीवाना, दिल आसना है, गीत, रंग, सत्री, शतरंज जैसी प्रमुख फिल्में शामिल थी। दिव्या भारती को दीवाना फिल्म के लिए लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। शोला और शबनम फिल्म की शूटिंग दरमियान गोविंदा ने उन्हें निर्देशक निर्माता साजिद नडियाद्वाला से मिलवाया था। बाद में दोनों में प्यार हुआ और शादी कर ली। कुछ लोगों का ये कहना है कि दिव्या भारती की आकस्मिक मौत के पीछे उनके पति साजिद का हाथ था, जिसकी वजह ये बताई गई कि साजिद के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने की बात से दिव्या भारती परेशान रहती थी। उनकी मां के साथ भी उनकी अनबन रहती थी। रिश्तों से हार चुकी दिव्या भारती ने मौत को ही आखिरी रास्ता चुना। कई सालों तक तहकीकात करने के बाद भी पुलिस कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और 1998 में ये केस बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ था उस रात, कैसे हुई दिव्या भारती की मौत और चंद घंटों पहले तक क्यों इतनी खुश थी दिव्या भारती? अपनी मौत वाले दिन ही दिव्या ने मुंबई में ही अपने लिए नया 4 BHK का घर खरीदा था और डील फाइनल की थी। दिव्या ने ये खुशखबरी अपने भाई कुणाल को भी दी थी। रात के करीब 10 बजे हो गए जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनके घर में उनकी दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति के साथ उनसे मिलने आई हुई थी। तीनों लिविंग रूम में बैठकर मदिरा पान और बातों को मस्त थे। दिव्या की नौकरानी अमृता भी हाजिर थी। किसे पता था इसके बाद कैसी अनहोनी हो जाएगी। रात के करीब 11 बजे नौकरानी अमृता किचन में कुछ काम करने गई। नीता अपने पति के साथ टीवी देखने में व्यस्त थी। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन एक खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं थी। यह अनुमान है कि खिड़की पर खड़ी दिव्या ने बैलेंस
खोने से पैर फिसल गया और दिव्या सीधे नीचे जमीन पर जाकर गिरी। पांचवें माले से गिरने के कारण दिव्या पूरी तरह खून में लथपथ थी। उन्हें तुरंत ही कुपुर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अफसोस कि बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया। पाँच साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद पुलिस को कोई ठोस वजह नहीं पता चली। पुलिस ने रिपोर्ट में नशे में बालकनी से गिरने को ही कारण बताया। दिव्या की मौत हत्या थी या आत्महत्या, ये रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया। वाकई कोई साजिश थी। जो भी हो, दिव्या सबके दिलों में आज भी मौजूद है। आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।